हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आलोक सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार की खनिज संपदा यानी कि मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको याद करेंगे, जानेंगे कि आखिर बिहार में खनिज किस ज़िले में पाए जाते हैं और किस में प्रचुर मात्रा में ये पाए जाएंगे। और हम कुछ सवाल लेंगे जिससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हम किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए। आप इस बिहार के मैप को देख सकते हो, इसमें मैं ये आपको बता रहा चाह रहा हूँ कि ये जो खनिज हैं, ये जो मिनरल्स हैं, आखिर बिहार के किस पार्ट में पाए जाते हैं। तो ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो झारखंड के साइड में, क्योंकि झारखंड बंटने से पहले हमारा पूरा बिहार बहुत ही रिच था मिनरल्स में, मतलब मिनरल्स बहुत मात्रा में पाए जाते थे। पर झारखंड जैसे ही अलग हुआ, उसके बाद हमारे बिहार में रिसोर्सेस, ये मिनरल्स बहुत ही कम पड़ गए। पर फिर भी हमारे पास इतना मिनरल्स है जिसकी अगर अच्छे से उसका एक्सट्रैक्शन किया जाए तो ये हमारे बिहार के इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो देखिए कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है और नवादा है, फिर यहाँ जमुई है, बांका, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया। इतना जो मैं इसको कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम मुंगेर को भी लेते चलिए, ठीक है। मेनली ये जो हैं, ये जो ज़िले हैं बिहार के, ये जो इससे सटे हुए बिहार से जो ज़िले हैं, झारखंड से जो सटे हुए बिहार के ज़िले हैं, जैसे कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार और पूर्णिया। तो जो मेन मिनरल्स हैं बिहार के, वो सारे पाए किधर जाते हैं, तो इसके सदर्न पार्ट में ही, बिहार के सदर्न पार्ट में ही ये सारे मिनरल्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। और कुछ छिटपुट इधर उधर भी मिलते हैं, पर ज़्यादातर इधर ही मिलते हैं। वो सब आपको मैं एक लिस्ट के द्वारा सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिर आगे हम इसको एक लिस्ट के द्वारा ही देख लेते हैं। तो हमने बिहार के जो प्रमुख हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, 12 जो खनिज के यहाँ पे लिस्ट लगाए हैं। इस लिस्ट से आपका पूरा का पूरा मिनरल रिसोर्सेज बिहार का कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पहले आपको कॉलम ये बता देते हैं कि किस कॉलम में कैसे है। तो यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे क्रम है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे खनिज, कौन सा खनिज, इस खनिज का नाम यहाँ पे मिलेगा, और ये ज़िला, ये खनिज किस ज़िले में पाया जाता है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और फिर यहाँ पे इस खनिज का क्या उपयोग होता है वो आपको इस कॉलम में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पायराइट। तो पायराइट पाया कहाँ जाता है, तो रोहतास ज़िला में, ठीक है। तो मैं ये इसमें जो भी लिखा हुआ है वो सारा मुख्य तौर पर, ज़्यादातर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे किसी दूसरे ज़िले भी कभी दे दे थोड़ा बहुत, तो उसमें आप शक बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर है, जो मेन है, वो रोहतास में पायराइट पाया जाता है। और एक आमझौर जगह है, इस जगह का भी नाम याद रखिएगा, आमझौर जगह, रोहतास के आमझौर जगह पर पायराइट पाया जाता है। और पायराइट का उपयोग क्या किया जाता है, तो उर्वरक के उत्पादन में, उर्वरक बनाने में यानी फर्टिलाइज़र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 की अब अगर हम बात करें, तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं खनिज में क्या है, तो चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पे, रोहतास में। और फिर इसका चूना पत्थर का उपयोग क्या करते हैं, तो इसको सीमेंट के फैक्ट्री में, यानी मैंने ट के जगह पे द लिख दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये सीमेंट है, सीमेंट का, सीमेंट के उपयोग में, मतलब सीमेंट बनाया जाता है चूना पत्थर से, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए नंबर 3, तो इसमें अबरक है। तो अबरक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो गया में, जमुई में, मुंगेर, नवादा। आपको ध्यान आ रहा है, सारा गया हो, जमुई हो, मुंगेर हो, नवादा, ये सारा बिहार का सदर्न पार्ट है। और इसका जो अबरक का उपयोग क्या किया जाता है, तो विद्युत उपकरण में इसका उपयोग होता है,
ये चीज़ ध्यान में एकदम से रख लेना है। फिर आ जाते हैं नंबर 4 पे, तो यहाँ पे है चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी का, ये चीनी मिट्टी किस ज़िले में पाया जाता है, मतलब मेनली किस ज़िले में पाया जाता है, तो वो है भागलपुर, बांका, मुंगेर। कहाँ पे? भागलपुर, बांका, मुंगेर। आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये सदर्न पार्ट का ही ज़िला है। मुंगेर सदर्न पार्ट में ही है, बांका भी सदर्न पार्ट में ही है, और भागलपुर मुंगेर, बांका, ये तीनों एक ही जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी मिट्टी मिलती है, और चीनी मिट्टी का उपयोग क्या करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो वो है चीनी मिट्टी के बर्तन बनता है, विद्युत विरोधी सामान बनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चलिए, अब क्योंकि याद भी कराना है तो हम फिर से एक बार हम इसको रिकॉल करेंगे, इस चार को, क्योंकि 12 है तो हम चार चार करके 12 कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चार को हम कंप्लीट करेंगे कि पायराइट, रोहतास, चूनापत्थर, रोहतास। तो ये दोनों कहाँ पे? तो रोहतास में, पायराइट और चूनापत्थर। और अब्रक हो गया गया, जमुई, मुंगेर, नवादा में, ये सारा सदन में ही है। और चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और मुंगेर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मुंगेर और मुंगेर कॉमन है दोनों में, मतलब अब्रक और चीनी मिट्टी मुंगेर में भी पाया जाता है, ये चीज़ एकदम से क्लियर होना चाहिए। नंबर 5 को देखते हैं, तो सोप स्टोन क्या है? सोप स्टोन, तो सोप स्टोन पाया जाता है जमुई में। कहाँ पे? जमुई में पाया जाता है। अब सोप स्टोन का उपयोग क्या करते हैं? तो सौंदर्य प्रसाधन में और पेंट उद्योग में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग किया जाता है, सोप स्टोन का। ठीक है, अगला हम देखेंगे 6 नंबर, तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है मेनली तौर पर? उसे वहाँ मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ? बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है। और जहाँ तक बात इसकी उपयोग करने की है, तो वो तो आपको मालूम ही होगा कि बॉक्साइट एक ओर है यानी अयस्क है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नंबर 7 की बात करें, क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है, किस ज़िले में? तो वो है जमुई ज़िला। तो क्वार्ट्ज को जमुई ज़िला में पाया जाता है, और क्वार्ट्ज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वो स्टील उद्योग यानी इस्पात उद्योग में किया जाता है क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज के साथ साथ ही है क्वार्ट्जाइट। ठीक है, ये क्वार्ट्जाइट है। तो क्वार्ट्जाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वो मुंगेर में, जमुई, गया में। कहाँ? मुंगेर, जमुई और गया में क्वार्ट्जाइट पाया जाता है। और क्वार्ट्जाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वो भवन निर्माण सामग्री में इसे किया जाता है। ठीक है, भवन निर्माण सामग्री बनाने में क्वार्ट्जाइट का उपयोग किया जाता है। जो ये 4 कंप्लीट किया, अब इस 4 को फिर से एक बार देखते हैं, तो वो है सोप स्टोन जो कि जमुई में पाया जाता है, बॉक्साइट जो कि मुंगेर में पाया जाता है, क्वार्ट्ज जो कि जमुई में पाया जाता है। तो सोप स्टोन और क्वार्ट्ज दोनों जमुई में पाया जाता है, और क्वार्ट्जाइट मुंगेर, जमुई, गया तीनों में पाया जाता है। कहाँ? क्वार्ट्ज मुंगेर, जमुई और गया तीनों में पाया जाता है। तो इसका मैप भी मैं फिर से दिखाऊंगा। तो यहाँ तक हमने 8 मिनरल्स कंप्लीट कर लिए। अब 9वां की बात करते हैं, तो 9वां सोरा, जो कि बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सोरा पूर्वी चंपारण में पाया जाता है, और सारण जिले में पाया जाता है, बेगूसराय में और मुजफ्फरपुर में। तो ये चीज़, इससे एक बात ध्यान रखिएगा कि सोरा मेनली नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है। अपने पहले जितना भी देखा मिनरल्स, वो सारा कहाँ पर पाया जाता है? तो वो सब पाया जाता है सदर्न पार्ट में। बट यह सोरा मेन तौर पर नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है। पूर्वी चंपारण को देख लीजिए, सारण को देख लीजिए, मुजफ्फरपुर को देखिए, एक बेगूसराय छोड़कर, बेगूसराय सिर्फ, ये कहाँ पे है? तो सदर्न पार्ट में। और सोरा का उपयोग क्या है? तो सोरा विस्फोटक बनाने में काम आता है, यानी एक्सप्लोसिव बनाने में, रासायनिक पदार्थ में ये इसका उपयोग किया जाता है, और उर्वरक बनाने में यानी फर्टिलाइज़र में इसका, सोरा का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नंबर 10 की बात करें, तो सोना यानी कि गोल्ड है। तो गोल्ड पाया कहाँ पे जाता है, किस ज़िले में? तो वो जमुई में पाया जाता है, और पश्चिमी चंपारण में। एक चीज़ फिर यहाँ पे मैं आपको क्लिक कराना चाहूँगा कि जमुई जो कि बिहार के एकदम से सदर्न में है, और पश्चिमी चंपारण एकदम से नॉर्दर्न पार्ट में है। तो सोना इन दो जगहों पर मेनली पाया जाता है। इसकी उपयोगिता की बात करें कि इसका उपयोग क्या है, तो वो तो आपको, आप इससे भली भांति परिचित हैं कि सोना का उपयोग गोल्ड जो कि ज्वेलरी वगैरह बनाने में उपयोग किया जाता है। नंबर 11 की बात करेंगे, तो वो है फेल्सपर।
फेस पर, जिस जो पाया जाता है गया ज़िले में और जमुई ज़िले में। कहाँ पे? गया ज़िले में और जमुई ज़िले में। और ये भी किस तरफ है? तो सदर्न पार्ट में है फेस पर। और फेस पर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बर्तनों पर एनामेल बनाने में। क्या? बर्तनों पर एनामेल बनाने में किया जाता है, और विद्युत विरोधी उपकरण में, और फिर कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है फेस पर का उपयोग। बात करेंगे 12 की, जो कि लास्ट मिनट्स है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बिहार के किस साइड में पाया जाता है? तो पूर्णिया और कटिहार एवं समवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। अब पूर्णिया कटिहार तो ईस्टर्न साइड में है, यानी कि इसके बिहार के पूरब साइड में है। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का सोर्स कहाँ पर है, तो वो पूर्णिया और कटिहार में है, और उसके समवर्ती क्षेत्र यानी उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें ही पाया जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ये चीज़ ध्यान रखना है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का क्या उपयोग है वो आप भलीभांति परिचित हैं। तो फिर से हम एक बार अपने बिहार का मैप ज़रूर देखेंगे, और इस पे ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो हमने लिस्ट में बताया वो सब कहाँ है, ताकि आपके दिमाग में एकदम से छप जाए, आपको याद हो जाए। तो देखिए फिर, पायराट कहाँ बताया था मैंने? तो रोहतास में बताया था। तो पायराट यहाँ पे है, रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था चूना पत्थर, जो कि भी वो भी चूना पत्थर भी रोहतास में ही पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अब्रक की। तो अब्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गया में, नवादा में, जमुई और मुंगेर में। कहाँ? गया, नवादा, जमुई और मुंगेर। तो ये तीनों, ये वाला बॉर्डर देख लो, ये है, ये देखो मुंगेर, यहाँ से ऐसे मैंने कर दिया। तो ये हो गया अब्रक का ये पूरा लाइनिंग, ये चीज़ ध्यान रखना है। बात करें चीनी मिट्टी का, तो चीनी मिट्टी का यहाँ पर देखिए, ये है भागलपुर। ठीक है, भागलपुर, ये है बांका और मुंगेर। तो देखिए, चीनी मिट्टी अगर आपको लेने जाना है, चलिए पटना हमारी राजधानी, हम पटना से अगर हम चलिए हम ऐसे इसको याद करते हैं, तो पटना से अगर हम इसको लेने जाते हैं चीनी मिट्टी, तो हमें इसको कॉर्नर पे जाना पड़ेगा, और ये तीनों ज़िलों में घूमना पड़ेगा, मुंगेर, भागलपुर और बांका। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब सोप स्टोन हमें लेने जाना है, तो वो जमुई में, तो जमुई यहाँ पे, पटना से हम आएंगे फिर जमुई के लिए, तो फिर जमुई में हम सोप स्टोन लेंगे। ठीक है, अब सोप स्टोन वही जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। और फिर बॉक्साइट को हमको लेना है, तो बॉक्साइट कहाँ से लेंगे? तो वो मुंगेर से। तो देखिए, पटना से हम फिर आएंगे, यहाँ पे मुंगेर है, तो ये मुंगेर में हम आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कहाँ क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज कहाँ पे है? तो वो है जमुई में। और क्वार्ट्ज के बाद फिर क्वार्ट्जाइट भी है। तो क्वार्ट्जाइट कहाँ पे है? तो वो जमुई, मुंगेर और गया। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, और ये फिर गया का ये ध्यान रखना है। और सोरा, देखिए सोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोरा ज़्यादातर नॉर्थ बिहार में पाया जाता है, मतलब इधर पाया जाता है। तो सोरा का क्या है? तो सोरा पाया जाता है पूर्वी चंपारण। ये देखिए, ये है ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण। उसके बाद देखिए यहाँ पर, यह है मुजफ्फरपुर। ठीक है, और फिर ये है सारण, सारण में पाया जाता है। और फिर बेगूसराय, तो बेगूसराय देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा ये सदर्न बिहार में, नॉर्थ बिहार में ये नहीं आएगा। और मुजफ्फरपुर यहाँ पे आपने देख लिया, तो ये वाला बॉर्डर हम इसमें बना देते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए, थोड़ा ध्यान रहे। तो यहाँ पे पाया गया सोरा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर सोना यानी गोल्ड को खोजना है हमको, हम पटना आए हुए हैं, अगर हमें गोल्ड यहाँ से ख़रीदने जाना है, लेने जाना है, तो वो कहाँ पे हम जाएंगे? तो वो जाएंगे हम जमुई में। ठीक है, यहाँ पे जमुई पे आ जाएंगे गोल्ड लेने। और फिर पटना से हम जाएंगे फिर पश्चिम चंपारण में। तो जो ये यहाँ पे ईस्ट चंपारण है, ऊपर में पश्चिम चंपारण है, तो ये यहाँ पे पश्चिम चंपारण, ये ध्यान रखिएगा। और फेस पर बात हम करें फेस पर की, तो फेस पर के लिए हमें गया में जाना होगा, तो यहाँ पे गया में आ गए, और ये जमुई में भी आ जाएंगे। और पेट्रोलियम के लिए पूर्णिया, देखिए यहाँ पे पूर्णिया है और कटिहार है, तो ये पेट्रोलियम के लिए ध्यान रखिएगा। ये चीज़ हमें एकदम से याद रखना है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए यानी कि प्राकृतिक गैस के लिए इधर हमें जाना है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम थोड़े कुछ एमसीक्यू यानी कि कुछ प्रश्न की बात करेंगे जो इस पे आधारित होगा। तो देखिए फिर यहाँ पे प्रश्न है, भारत का एकमात्र पायरेट उत्पादक राज्य कौन है? तो पायरेट उत्पादक राज्य में भारत का एक है बिहार, सिर्फ बिहार ही बिहार है पायरेट उत्पादक में। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम बात इस प्रश्न की करें तो बिहार में आमझोर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस ज़िले में है? तो आमझोर पहाड़ी, ये जगह मैंने आपको याद दिलाया था कि आमझोर जगह याद रखिएगा। तो आमझोर की पहाड़ी में पायराइट पाया जाता है और ये किस ज़िले में है? तो वो है रोहतास में। तो इसका ऑप्शन क्या जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपको मैंने बताया था कि भागलपुर में पाई जाती है, मुंगेर में भी पाई जाती है और बांका में भी पाई जाती है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, तो फिर बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो बिहार में कहाँ चूना पत्थर पाया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सोन घाटी के पश्चिम और कैमूर की पहाड़ियों में, तो ये अपने खुद से ही ये माइंड लगाना है कि आखिर चूना पत्थर किस राज्यों में पाया जाता है, तो उस अकॉर्डिंग ही हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी उपरोक्त दोनों जगह पर, यानी सोन घाटी के पश्चिम में भी और कैमूर की पहाड़ियों में भी। हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो इसमें बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? तो क्षेत्र पूछ रहा है चूना पत्थर का प्रमुख क्षेत्र, तो वो क्या कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा रोहतासगढ़ चूना हट्टन बंजारी और फिर डेहरी ऑन सोन चूना हट्टन बंजारी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, उपरोक्त दोनों। ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न की अगर बात करें तो फिर देखिए बिहार के किस ज़िले में अभ्रक पाया जाता है? तो देखिए अभ्रक या अभ्रक ये दोनों लिखा जाता है, ये इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो बिहार के किस ज़िले में अभ्रक पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था नवादा में भी पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है और जमुई में भी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। तो हमने आपको ये कुछ प्रश्न बता दिए कि किस तरह के प्रश्न हमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, बिहार खनिज संपदा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ जानने को मिला होगा, आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगा। तो फिर आप चैनल सब्सक्राइब रखिए और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, जय हिंद।